सभी योजना की रात चाहे पीड़ित जिलों में जहां जहां आई है, हमारे कश्मीर रात में दो वर्ष से किसी को नहीं मिली। अनुसा सहायता राशि मिली है लेकिन दो वर्ष से राशि नहीं मिल पाई। लोग पैसे के इंतजार में बैठे हैं। यदि शासन की योजना है तो महिला देखिए आपके दूसरा की वेतन है। शासन के नजर में गांव गांव और हर मोहल्ले में विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन हमारे घर के चार पंचायतों में कई गांव एवं नगरों द्वारा ऐसे हैं जहां अभी भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है और वहां सब प्रतिशत आदिवासी और पैदा जाति की बस्ती है। उदाहरण के लिए ग्राम बढ़िया एक राजस्व ग्राम है, वहां आज तक बिजली नहीं गई। चंदा टोला बरकाडोल के पास एक खैरा गांव है, वहां का चंदा टोला जहां आदिवासी लोग है। बेमरा टोला जहां सब प्रश्न पैदा जात के लोग हैं, बिखुरी गांव के अंतर का पाता है। गुराम टोला बिखुरी जहां सब प्रश्न और जात के लोग हैं, वहां भी बिजली नहीं। टोला कंचनपुर थर्मल पंचायत के अंतर का फल कक्टेश टोला यहाँ भी बिजली नहीं। तथा भूटान नाखा देवमठ जहाँ सब प्रश्न बढ़ जात के लोग हैं, वहाँ भी बिजली अभी तक नहीं पहुँच पाई है। आग्रह है कि बिजली पहुँच जाए। क्या ग्राम सिंह गवाह यही कचरा हम लोग बैठे हैं, एक मुहावरा में कहलंगवा टोला यहाँ रिकॉर्ड में विद्युतीकरण हो चुका है। करा भाई चुप रहा तो सर गौर करें बिना लगना तोड़े यहाँ तो एक प्रधान पर है। यहाँ बिजली विभाग के रिकॉर्ड में विद्युतीकरण हो चुका है। एक दो खंभे भी बने, दस बीस खंभा पड़े भी है, बिजली का बिल भी आ रहा है। आज तक विद्युतीकरण वहां नहीं हुआ है। शासन के रिकॉर्ड में विद्युतीकरण हो गया, उसकी जांच कराकर कठोर कार्यवाही करने की कृपा। नवीन सड़क निर्माण तो दूर की बात, यहाँ गांवों में हो जाए मिट्टी रोड होगा। वन विभाग के द्वारा गत दो वर्ष से हमारे इधर के चार पंचायत में जो वन मार्ग है वहाँ मरम्मत तक नहीं कराया गया। आपसे विशेष आग्रह है कम से कम मरम्मत तो हो जाए कि गांवों रोड चाहे जब बने। जब कभी बंदोबस्त हुआ रहा होगा निजी पत्तों की भूम जो देवा देवमत थर्मा कंचनपुर इत्यादि कई लोगों के लोगों की निजी पत्तों की भूम को वन खंड में शामिल कर लिया गया, उसके बदले में न उनको भूम दी गई न उसका मुआवजा दिया गया। इसमें भी चाहे पैसा मिले चाहे जमीन मिले, जब महीने में आप लोगों का अभी इस तारीख को कार्यक्रम कर चुके थे, उसको उस समय एक आवेदन प्रेस किया गया था एसडीएम सर कि ग्राम देवा के पास एक ब्रोकर बांध नाम का एक राजस्व ग्राम है जो वर्तमान में अरे कृष्ण का है कह रहे हैं जो राजस्व ग्राम है और उसमें देवा गांव के लोगों की पट्टे की भूमि है। पूरा गांव में पट्टे की भूमि उसमें वन विभाग के द्वारा दस्त नहीं करने दिया जा रहा, जबकि उसका अलग नक्शा है अलग टैक्स कटा हुआ है। पूरा पूरा गांव पट्टे के भूम में आता है। तो लोगों ने उसमें एसडीएम साहब को कलेक्टर महोदय ने कहा था कि आने वाले समय में आप जाके देश में निराकरण कर लें, जिसका निराकरण अभी तक नहीं होता है। बेकर मांग देना के पास जी इस क्षेत्र के एक समस्या है जो अपने ब्लॉक स्तर की है। इस क्षेत्र के लोगों की जो पट्टे की भूमि है भाई भाई आपस में बंटवारा कराना चाहते हैं या मंत्रणा कराना चाहते हैं, इसमें भी रोक लगा दी गई है। ये हमारे समझ में नहीं आता विस्थापन वाला एरिया है, जब एक भाई के नाम जमीन रहेगी वो भाई पूरा पैसा हजम कर जाएगा, दूसरा भाई कहाँ से नहीं उठ पाएगा। इसलिए बंटवारे की प्रक्रिया में जरूरत लगाई गई है उसको बहाल की जाए।
हमारे घर को चार पंचायतों को एक भी बीपीएल का नाम नहीं जोड़ा, ये क्या उचित बात है? जो बात तो है इसको जोड़ा गया, ये तो जनरल की किसी का नाम नहीं जोड़ा गया। मेरे बोलते हैं कि जो बात तो है उसका नाम जुड़ना चाहिए। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करूंगा। धन्यवाद।